शिमला के बाद सोलन में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा को आड़े हाथ ले रही है। सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को मिल बैठे इस मुद्दे को भुनाने में भी वे कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहां तक कि बीजेपी को बिन जल पानी की पार्टी की संज्ञा दे दी गई है। इस पानी की समस्या को लेकर सोलन से सिरमौर जा रहे आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह से जब पानी की विकराल समस्या के बारे में पूछा गया तो पता चला कि उन्हें सोलन की पानी की समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि सोलन के अधिकारी तथा स्थानीय नेता अपने मंत्री को जिले की समस्याओं से अवगत नहीं करवाते हैं। यही कारण है कि जनता की समस्या का हल तब निकलता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। यही कारण रहा कि आईपीएस मंत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और अधिकारियों को समस्या से अवगत न करवाने के लिए लताड़ लगाई तथा स्थानीय नेताओं को जिले से जुड़ी समस्याओं से समय समय पर अवगत करवाने की सलाह दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने सोलन में बड़ा बयान दिया कि जल समस्या का हल हिमाचल में तभी निकल सकता है जब उसका वितरण विभाग के पास हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में वे जल्द मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से बात करेंगे और समस्या का हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि गाद की समस्या से निपटने के लिए विभाग योजना बना रहा है, जिसमें नदियों के साथ टैंक बनाए जाएंगे और गाद आने पर वहां से पानी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला और सोलन में पानी की समस्या कांग्रेस की देन है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस समस्या के निपटारे के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। जितना भी शहरी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के बीच में, चाहे वो शिमला का क्षेत्र है, हमारा सोलन का जो शहर है, यहाँ तक भी यहाँ की भी समस्या है। जब भी बारिश होती है, बारिश खड्ड में सोनी खड्ड में जो है गाद आ जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई में थोड़ा सा रुकावट पड़ती है। हम आने वाले समय के लिए नई प्रपोजल जो है बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि कोशिश करेंगे कि अगर पर्टनेशन वेल जो है यहाँ पर हाइड्रोलॉजिस्ट ने अगर वो उसको स्वीकृति दे देंगे तो हम पर्टनेशन वेल बनाएंगे, जिससे कि स्वच्छ पानी जो है वो हम अपने शहरवासियों को प्रदान कर सकें। माने मुख्यमंत्री जी के ध्यान हाथ ला करके इस पर कोई ना कोई फैसला करें। ये इस समस्या कोई 6 महीने के अंदर नहीं खड़ी होगी, ये उनके द्वारा पैदा की एक समस्या है, जिस समस्या ने आज विकराल रूप धारण किया है। ऐसी समस्या उन्होंने शिमला में भी खड़ी की। शिमला में विश्व बैंक का जो पैसा आया था, उस पैसे को उस प्रोजेक्ट वायो काफी समय हो चुका था, अगर समय रहते उस प्रोजेक्ट का काम कर दिया गया होता तो शिमला में पीने के पानी की समस्या ना होती। ये कांग्रेस पार्टी का ही कारण है शिमला में भी। उसी प्रकार से शिमला शहर, इस शिमला शहर का प्रतिनिधित्व पिछले 5 वर्षों में यहाँ के विधायक और उस वक्त की सरकार के मंत्री यहाँ का करते रहे। अच्छा होता कि उन्होंने सोलन शहर के लिए कोई बड़ी योजना भारत सरकार से लाई होती और आज ये समस्या देखने को ना मिलती। आज ये हमारे ध्यान था, ये हम इस पे आगे काम करने जा रहे हैं।